الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو भाइयों और अजीजों, अल्लाह के नबी जितने भी दुनिया में आए हैं और उन्होंने आकर इंसानों की इसलाह का काम किया है, अल्लाह ने सबको कामयाबियां अता फरमाई हैं अपने अंदाज में, लेकिन किसी की कामयाबी छोटी है, किसी की बड़ी है। और सबसे ज्यादा कामयाब रसूल जिसे कहा जा सकता है अपने मिशन में, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। आपके सपुर्द इंसानी इसलाह का जो काम किया गया वो किसी एक कौम से मुताल्लिक नहीं था, यानी किसी एक इलाके से मुताल्लिक, बल्कि पूरी दुनिया की इसलाह की जिम्मेदारी आप पे डाली गई थी। इस लिहाज से आपने इतनी वसी सतह पर इस काम को बढ़ाया और फैलाया कि आज भी दुनिया जब आपके असरात पर गौर करती है तो वो यकीनन आपको दुनिया का सबसे बड़ा आदमी करार देती है। हम तो खैर आपको सैयदुल मुरसलीन और आखिरीन कहते ही हैं, लेकिन जिन लोगों ने दुनिया के बड़े लोगों की तारीख लिखी है, यूरोप के लोगों ने, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने असरात के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा इंसान करार देते कि दुनिया में आज तक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने इंसानों को, जिसने दुनिया को इस कदर मुतासर किया। आप इसमें अंबिया का जिक्र भी करेंगे या दूसरे लोगों का भी हवाला देखेंगे, लेकिन उनमें से जितने लोग भी गुजरे हैं अंबिया इकराम के अलावा, उनमें से तमाम लोगों के असरात सिर्फ जुज्वी तब्दीली तक मुख्तसर रहे हैं। बाकी जो कुछ उसके बारे में कहा जाता है वो या तो सुनी सुनाई बातें हैं जिनके बारे में कोई सनद नहीं है, और या फिर उसके पीछे महज अकीदत काम कर रही है। बल्कि अगर मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूं तो मैं ये कहूंगा कि उसके पीछे मगरबी असबियत काम कर रही है, वरना हकीकत में मगरब ने कोई बड़ा आदमी ऐसा पैदा नहीं किया। मौला मौदूदी ने यह बात कही थी तो बड़े सोच साझ कर ठीक कही थी। उन्होंने कहा मैं पूरे मगरब को चैलेंज करता हूं कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा या सहाबा किराम जैसा को आदमी कहां से लाओगे। मैं तो तुम्हें कहता हूं कि तुम एक शेख अब्दुल का जीलानी जैसा और एक अबू हनीफा जैसा आदमी पैदा करके दिखा दो। तुम पूरा मगरबी यूरोप मिलकर तुम उन दो आदमियों जैसा आदमी पैदा नहीं कर सके आज तक। यह अलग बात है, मैंने जैसे अर्ज किया कि असबियतें अपनी जगह है, पुरापे गंडे के जराए उनके पास है, वो जो चाहे सो कहते फिर, लेकिन इसको तो वो भी तस्लीम करते हैं कि पूरी दुनिया पर जिसने हमागीर असरार डाले हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। इस लिहाज से जब हुजूर के असरात के हवाले से आपकी सीरत का
आपकी शख्सियत का मुताला करते हैं तो उसमें हमें तीन चीजें दिखाई देती हैं। एक तो है अल्लाह की जात और अल्लाह का भेजा हुआ दीन, कि आपने दुनिया को मुतासर किया है तो इसलिए किया है कि अल्लाह की मशीयत ये थी, अल्लाह का इरादा ये था, क्योंकि अल्लाह को खूब मालूम था कि इसके बाद मैंने किसी नबी को नहीं भेजना, और अगर ये काम अधूरा रहता और आप अपने पीछे एक बहुत बड़ी उम्मत को पैदा करने में नाकाम रहते जो पूरी दुनिया के जुग्राफियों को बदल डालती, बल्कि उनके उनके इल्मी ज़राए को बदल देती, तो फिर जाहिर है उसके बाद काम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए एक मैं ये कहता हूं कि इसके पीछे अल्लाह की जात है, अल्लाह का इरादा है, उसकी मशीयत है। दूसरा, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की दिल आवेजी है, आपकी हमा गिरी है, आपका हमा पहलू मुअस्सर होना है, और आपकी जात का ऐसा हमा गिर होना है कि घर से लेकर तख्तो ताज तक और दुनिया की आखिरी डिमांड तक, आखिरी तकाजे तक अगर कोई जात पूरा उतर सकती है और जिसने हर सतह पर इंसानों को मुतासर किया है तो वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। मसलन हजरत ईसा अलैहि सलाम की जात की वजाहत और उनकी बड़ाई में कोई शुबा नहीं, वो अल्लाह के अजीम रसूल है, लेकिन मैं और आप ये चाहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने बच्चों की शादियां करें तो क्या उनकी सुन्नत हमें मिल जाएगी इस हवाले से, जैसे उनकी शादी की रहे? यानी मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे की उस तरह ही शादी करूं जैसे ईसा अलैहि सलाम की सुन्नत, तो उनकी सुन्नत कहां से मिलेगी जब उन्होंने शादी नहीं की? मैं चाहता हूं अपने बच्चों को उस तरह पालूं जैसे ईसा अलैहि सलाम की सुन्नत है या यहया अलैहि सलाम की सुन्नत, तो उनकी औलाद कहां से हुई जब उनकी शादी नहीं हुई, दोनों ने शादी ही नहीं की? मैं चाहता हूं कि उसूल मुआशरे में वो इख्तियार करूं जो ईसा अलैहि सलाम और यहया अलैहि सलाम ने इख्तियार किए, दोनों खालादाद भाई थे, लेकिन ये मैं कहां से हासिल करूंगा? इसलिए उन्होंने अपना ना मकान बनाया ना किसी मोहल्ले में रहे, उन्होंने तो दरवेशी की जिंदगी इख्तियार की, आज यहां कल वहां, और इस तरह जो जिंदगी इख्तियार की भी उसकी ज्यादातर रेंज कितनी है? कुल 3 साल। इससे ज्यादा हम उनकी जिंदगी में जब बारके में जानते ही कुछ नहीं। तो जैसी जैसी आप जिंदगी के तकाजों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको मायूसी होगी, इसलिए कि उनकी जिंदगी निहायत महदूद दायरे में फैली हुई है, जिसका ताल्लुक बाजो नसीहत से है, जिसका ताल्लुक दुर्वेशी से है, या जिसका ताल्लुक बनी इसराइल के बाद ऐसी चीजें से जिनको बिगाड़ पैदा हो चुका था उनसे उनकी इसलाह से ताल्लुक है, वरना इससे ज्यादा उनकी जिंदगी में रहनुमाई नहीं मिलती। यह मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है, लेकिन जहां तक नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ताल्लुक है, आप कोई शोभा छेड़ के देख लीजिए, उसमें कोई शोभा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी आपको मुकम्मल मिला रहा है, नूर की तरह सामने खड़ी मुस्कुराती और रहनुमाई देती नजर नहीं आती। इसलिए एक तो है हुजूर की जात की हमागिरी, आपकी जात की परफेक्शन, आपकी जात की रहनुमाई का मुकम्मल होना, और हर चीज में आपका प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा देना कि अल्लाह ने जो मुझे दीन दिया है वो यकीन आप इतमामी शान के साथ आया है, अल्लाह ने उसको मुकम्मल फरमाया है और मैंने उसको मुकम्मल तौर पर नाफिज करके दिखाया है। इसलिए जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं है या कोई मौका तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जहां अल्लाह के दीन की रहनुमाई मौजूद हो और मैंने अपनी जाती रहनुमाई यानी उस पर अमल करके उसको अपनी शक्ल न दी हो, तुम्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। इसे कुरान करीम बार बार कहता है कि लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो आदमी चाहता है ना कि अल्लाह के आखिरत के दिन में अल्लाह के सामने जाकर वाकईतन वो उसको खुश कर सके और उसके सामने रुसवाई से बच जाए, बल्कि उसके सामने जाकर उसका नाम रोशन हो और उसको जन्नत का मुस्तहिक बनाया जाए, तो उसके लिए एक ही जिंदगी है जिसकी वो नकल उतारे। वो जिंदगी कौन सी है? वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। कहा अल्लाह के रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए उस्वाए हसना है, एक बेहतरीन नमूना। तीसरी चीज जिसने दोनों चीजों को इंसानों के लिए आसान किया बल्कि इंसानों के करीब कर दिया, वो तीसरी चीज सहाबा की मुकम्मल इताअत और पैरवी है, बल्कि अगर मैं कहूं उनकी फिदाकारी है। दुनिया के बड़े से बड़े जनरल का आप तसव्वुर कर लें, उसकी सारी जनरली उस वक्त तक कामयाब है जब तक उसकी फौज उसके खिलाफ बगावत नहीं करती,
उसकी फौज उसके हर अमर की इताअत करती, उसका वोट बाद में हिलते हैं लेकिन वो पहले उस पर जान देने के लिए कोशिश करती है। तो यकीन जानिए ऐसे जनरल को नाकाम करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन दुनिया में ऐसे जनरल भी गुजरे हैं कि वो बड़े से बड़े अपने अंदर दिमागी शाहकार थे और वो बाकायद बड़ी रहनुमाई रखते थे अपने अंदर, उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी। लेकिन बदनसीबी यह थी कि हालात ने ऐसा पलटा खाया कि उनकी फौज में यूनिटी बाकी न रह सकी, ऐसे मफादात और ऐसे असमियतों का चक्कर चला कर आखिर नाकाम होकर रह गए। मैं मिसाल देता हूं इस्लामी तारीख के हवाले से, अलाउद्दीन जिसको चंगेज खान से वास्ता पड़ा, इसके बाप का क्या नाम था मैं भूल रहा हूं, या इसका बेटा था वो दूसरा, यानी एक बाप है एक बेटा, शायद बाप अलाउद्दीन है और बेटा है जलालुद्दीन। बाप इंतहाई नाकाम हुक्मरान था लेकिन बेटा उन लोगों में से था कि जिनको चंगेज खान ने भी देख के कहा था कि ऐसे बच्चे माएं कम कम जानती, कब बच्चे जने हो गए ऐसे। उसने अपने बाप की शिकस्तों में से फतह का रास्ता निकाला और उसने वाकई तारीख को बदल देने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वो गजनी के इलाके में खड़ा नई तारीख लिख रहा था और उसने चंगेज खान के बेटों को पैगाम भेजा कि अब मैं चुनूंगा कि मैदान कौन सा होगा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा पिछली शिकस्तों का भी, कि ऐन उस वक्त उसके खुसर और गजनी के दूर के इलाके का रहने वाला एक बहुत बड़ा जनरल जो अपने साथ 40,000 का लश्कर लेके आया था, मैं एक घोड़े के मसले पर आकर उनमें इख्तलाफ हुआ और ये दोनों बड़ी कुब्बतें उससे अलग हो गई। यानी अंदाजा करें कि मामूली एक इख्तलाफ, ना वो अपने खुसर को समझा सका ना उस बिगड़े हुए जवान को, उसके साथ 40,000 का लश्कर था। जब वो लश्कर लेकर वापस पलटा, अब ज़ारा के इसके पास इतनी बड़ी कुव्वत नहीं थी ये चंगेज खान की या उसकी औलाद को दोबारा ललकार सकता। फिर वहां से वो अपनी जान बचा के भागा, हिंदुस्तान आए, शमसुद्दीन ने उसको पनाह जरूर दी लेकिन सार साहब कहा कि मैं तो अपनी सारी रियाया में अक्सरियत ज़ारा हिंदुओं की रखता हूं, उनको आज तक काबू करके बैठा हूं, अगर यहां तातारी लश्कर घुस आया तो यकीन जानो ना हम बचेंगे ना तुम बचो। उससे साफ कोई से काम नहीं, वो एक शरीफ आदमी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जलालुद्दीन की वो तारीख जिसकी हम बड़ी तवक्कु रख सकते थे जब उसके हालात को पढ़ते हैं, वो नाकामी में बदल गई सिर्फ इसलिए कि उसके उसकी फौज ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। तो जिसकी फौज जितनी ज्यादा फिदाकारों पर मुश्तमिल है, कतई नजर इसके कि उसकी तादाद क्या है, वो यकीन जानो उतना बड़ा जनरल है और उतना बड़ा पैगंबर है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कालराज ने ठीक कहा, उसने कहा कि मैं अहले कलेसा से ये कहता हूं ईसाइयों से कि वो जितनी जल्दी ये बात समझे अच्छा है कि मोहम्मद के साथी वो मसीह के हवारी नहीं थे। जब मसीह को पकड़ने के लिए जब पुलिस पहुंची तो 12 हवारियों में सिर्फ 10 भाग गए और 2 सुल्तानी गवाह बन गए, कोई भी साथ न रहा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों और साहबा में से चाहे वो हिजरत का वाकया हो, चाहे जंगे बदर का, और चाहे वो इससे बड़े तलख वाकयात हुए हो जैसे जंगे खंदक का, या उससे पहले बहुत का वाकया हुआ हो जैसे बहुत बड़ी शिकस्त भी हुई, लेकिन क्या एक भी वाकया ऐसा बताया जा सकता है जिसमें किसी एक सहाबी ने भी आपकी इताअत और आपकी फिदाकारी से मुंह फेरा? उसने कहा मोहम्मद के साथी हवारी नहीं थे मसीह के, जब भाग निकलते उसने तो उस वक्त तक तलवारों की छांव में उसकी हिफाजत की है जब तक जजीरा अरब के आखिरी हिस्से तक उसकी हुकूमत की बालादरी साबित नहीं कर दी। इससे कुरान करीम में जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें यही हकीकत बाशरा की गई है, कहा है नबी आपकी कामयाबियों के लिए एक तो अल्लाह काफी है, आपकी जात काफी है, आपके साथ आपके अल्लाह की नुसरत आई है, असल कुव्वत तो यही है, और दूसरा फरमा ममन तबा का मिनल मोमिनीन, और दूसरी आपकी कामयाबियों के लिए वो लोग काफी हैं जो आपके पैरोकार। मैं इसका तर्जमा करता हूं इस तरह, अगर ये तर्जमा दूसरा भी हो सकता है लेकिन मेरे नजदीक इसका यह तर्जमा भी सही है, कह नबी काफी है तेरे लिए अल्लाह और वो लोग काफी हैं जो मोमिनों से तेरी पैरवी करते हैं, हर वक्त तेरे पैरों का, और उजारा सारे साहबा ऐसे थे।
इससे उनकी पैरवी देखकर दुश्मनों ने दीन का दिल बैठ जाता था। वो देखते थे कि इनके चाहने वाले सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसकी सुन्नतों पर चलना चाहते हैं, सिर्फ उसके तरीके से नमाजें पढ़ते हों, बल्कि वो उसके तरीके से तलवार के धनी भी हैं। वो उसके लिए खून भी गिरा सकते हैं, वो उसके लिए गर्दनें भी कटवा सकते हैं। और वह इब्न मसूद जब हुदैबिया के मौके पर हुजूर से मुआहदा करने के लिए, अभी तो गुफ्तगू हो रही थी, तो उसने एक बड़ी तल्ख बात कही। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आप 1400-1500 लोग इकट्ठे करके ले आए हैं, इनमें कोई किसी कबीले का, कोई किसी कबीले का, कोई किसी इलाके का, कोई किसी इलाके का, इनमें वो बात नहीं है जो खानदानी अशराफ लोगों में होती, जो बड़े बड़े कबीलों से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, बड़े जीदार किस्म के। कहा ये तो बणबण की लकड़ी आपने इकट्ठी की है, और जब तसादम की नौबत आई, इनमें से एक आदमी तेरा साथ नहीं देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पास खड़े थे, हुज़ूर तो बड़े बुर्दबार थे ना, बड़े तहम्मुल वाले, वो बर्दाश्त न कर सके। बावजूद आप जानते हैं कि वो इंतहाई मुदब्बिर, इंतहाई बुर्दबार, इंतहाई नागवारियों से बचने वाले, उन्होंने एक ऐसा सख्त जुमला कहा उसे जो ना कभी पहले उनसे सुना गया था ना कभी बाद में सुना गया। उन्होंने कहा तुम समझते हो हम छोड़ के भाग जाएंगे, जब एक सख्त जुमला कहा जिसको मैं दोहरा भी नहीं सकता। और इसी तरह उनके उनके अपने भतीजे हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा, जब इसने किसी बात पर आगे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को हाथ लगाना चाहा, आप देखते हैं शायद आपने कभी पंचायत देखी हो तो देहात की पंचायतों में या जनगों में ऐसा होता है कि जब दो आप बड़े आदमी आपस में बात करते हैं ना और किसी बात पर मामला उलझ जाए तो एक आदमी दूसरे की दाढ़ी को हाथ लगाता है कि कोई बात नहीं मान जाइए। यह गोया दूसरे की एक मिन्नत करने वाली बात होती। मुग़ीरा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने पीछा अपना खंजर निकालकर उसके पिछले हिस्से से यहां मारा। कहा उर्वा अपना हाथ पीछे रख, अगर तेरा नापाक हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को छू गया तो मुझे कसम अपने अल्लाह की मैं कंध यहां कंधे से तेरा बाजू काट डालू। तेरी ये मजाल के हुजूर की दाढ़ी को हाथ लगा। यही वाकया थे कि जब उर्वा गया है दोबारा मक्का मौजमा में तो अंदाजा करो वो कहता क्या। इससे आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह के बाद हुजूर की असल कुव्वत क्या थी और लोग क्यों हुजूर से सहम जाते थे, आपका नाम सुनकर क्यों कांपते थे, उसकी असल वजह क्या थी। एक तो अल्लाह की ताईद और नुसरत थी ना, लेकिन दूसरी और चीज, उसने जाकर कहा लोगों मेरी एक बात सुनो, तुम इस पर राजी नहीं हो रहे हो कि यह मुआहदा कर लिया जाए, बल्कि मैं देख रहा हूं तुम में से बहुत से लोगों की तलवारें बार बार नियाम से बाहर आ रही, तुम लड़ना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि मैं कैसर किसरा के दरबार में भी गया और मैंने नजाशी का दरबार भी देखा हबशा के बादशाह का, कहा वहां उनका मैंने ठाठवाड़ करना फर भी देखा, लेकिन यकीन जानो उनके दरबारियों में मैंने वो फिदाकारी, वो जान सपारी, वो अपने बड़े और अपने सरदार के लिए जान पर खेल जाने का जज्बा का ये मैंने वो नहीं देखा जो मैंने मोहम्मद के साथियों में देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हें किन बिजलियों से वास्ता पड़ा, कहा तुम्हें अंदाजा नहीं, कहा मैं तो ये देखकर हैरान रह गया, हुजूर वुजू करते हैं तो उनके वुजू का आखिरी कतरा तक जमीन पर ही गिरने दिया जाता, लोग हाथों हाथ लेते अपने जिस्म पर मर लेते, हत्ता के हुजूर अगर थूकते हैं तो कहा थूक भी जमीन पर नहीं गिरता, लोग उसको भी अपने हाथों में लेकर मुंह पर मार लेते तबर्रुक के तौर पर। तो कहा तुम इनसे लड़ोगे, मोहम्मद से लड़ोगे तुम, कहा तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हिमस के शहर में मैंने पहले भी शायद ये वाकया सुनाया था कि मुसलमानों ने जब उसको कब्जा किया, उसको फतह करने के बाद उसके बाद एक मौके पर जब उनके मजहबी रहनुमा आए और उनको मजीद मुफाहमत की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा जनाब आप तो बहुत ही आदिल लोग हैं, इंसाफ परस्त हैं, इंसाफ परवर हैं, लेकिन हमें एक आपसी शिकायत पैदा हुई है, हम चाहते हैं कि आप उसका इजाला करें।
حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے مسیح علیہ السلام کا مجسمہ اپنے شہر کی سب سے بڑی عمارت پر بلندی پہ لگایا ہوا تھا، تم نے جو تیر اندازی کی ہے نا شہر پر جب تم نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو ہمارے اس مجسمے کی ایک آنکھ ٹوٹ گئی، کہیں اڑتا ہوا تیر جا لگا اس کی ایک آنکھ نکل گئی، وہ جو پتھر کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ کہا بھی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے پیغمبر کا مجسمہ بناؤ، اسی طرح بلندی پہ لگاؤ، ہم تیر اندازی کا کی مشق کرتے ہوئے اس کو نشانہ بنائیں گے اور اس کی آنکھ پھوڑیں گے، تب انصاف اور عدل کا تقاضا پورا ہوگا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ دوبارہ اس زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آنکھ نکالنے کی بات مت کرنا، میں ورنہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہا تم جانتے نہیں ہو کہ مسلمان حضور کی عزت و حرمت پر کیسے کٹ مرتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں کہ آپ کے مجسمے کی آنکھ ٹوٹ گئی ہے، لیکن چونکہ تو اس سے صدمہ پہنچا ہے، میں اس کی تلافی کے لیے تیار ہوں کہ یہ میری تلوار لے لو، اور اس کی آنکھ کے بدلے میں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی آنکھ کے بدلے میں میری آنکھ نکال دو۔ کہا میں اپنی آنکھ دے سکتا ہوں، لیکن دیکھنا حضور کی آنکھ دوبارہ اس کا نام نہ لینا۔ وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ جن کے جرنیل کا عالم یہ ہے کہ وہ مجسمے کی ایک آنکھ کے لیے اپنی آنکھ قربان کرنا چاہتا ہے، اگر کبھی ان کی عزت و حرمت کا سوال آیا تو ان لوگوں کو کون روک سکے گا، یہ تو قیام، یہ تو بجلیاں ہیں، یہ تو قیامتیں ہیں، ان کو کون روک سکتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ذات جو بھی دنیا میں آئی ہے، یاد رکھو اس کے ماننے والوں نے ہمیشہ اس کی عزت و حرمت کی نگرانی کی، اس کی پاسبانی کی، ورنہ کسی کے بےعزتی کا تو کیا دیر لگتی۔ لیکن جب وہ یہ لوگ دیکھتے تھے نا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عزت کا عالم یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے ان کی معمولی بات پر اپنے آپ میں نہیں رہتے، علامہ اقبال کی طرح تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس بات کو برداشت نہیں کر پاتا کہ میرے سامنے کوئی آدمی یہ کہے کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے کپڑے پہنے تھے، حالانکہ کپڑے میلے نہیں ہوتے، حضور نے کئی دفعہ کپڑے میلے پہنے، لیکن اقبال کہتے تھے میرے ایمان کو چوڑ لگتی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے تھے، میں اس کو ہی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمارا واقعی ایسا ہی تعلق ہے، اور یہ چیزیں اس وقت واقعی قدر و قیمت رکھتی تھی، اور دنیا ہمیشہ ایسا کرتی تھی جب تک ہم حضور کی ذات کے پیچھے کھڑے تھے، جب ان کے لیے کچرا مرنا ہم جانتے تھے، کہ جب سر شفیع جیسا بیرسٹر کہ جس کے پائے کے بیرسٹر مغرب میں بھی کم کم پیدا ہوئے ہیں، مغل پورے کا رہنے والا، جب وہ سر شادی لال کی عدالت میں ایک ایسے مقدمے میں، بلکہ کہنا چاہیے اپنے یہ علم الدین کے مقدمے میں جب وہ پیش ہوا، تو جب اس نے یہ بات کہی عدالت نے کہ سر شفیع ہمارے قانون میں کسی پیغمبر کی عزت کے تحفظ کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی دفعہ نہیں، تو یقین جانو کہ سر شفیع بے قابو ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں اس آئین اور قانون پر جس میں میری پیغمبر کی عزت کا تحفظ نہیں ہو سکتا، اور پھر چھم چھم اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تو سر شادی لال نے باقاعدہ ریکارڈ کروائی یہ بات کہ سر شفیع اپنے آپ میں نہیں ہے، اسی میں عدالت ملتوی کرتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو آخر ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ایسا، جس نے یہ منظر دیکھا ہوگا سر شفیع سر شادی لال نے، کیا وہ زندگی بھر بھول سکتا ہے کہ مسلمان حضور کے بارے میں کیا سوچتے؟ تو پوری دنیا میں یقین جانو جب کبھی آہم کا تذکرہ ہوتا تھا اور یہ روایات زندہ ہوتی تھی تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ لوگوں حضور کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یہ یوں سمجھو اپنے آپ کو کٹمانے کے مترادف ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہندوستان میں کہ کسی راشے مہاشے نے اور کسی اور بدتینت آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ہاتھ ڈالا اور پھر اس کی جان سلامت رہی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔
बेशुमार वाकयात थे, वो जानते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, और अगर ऐसा करेंगे फिर हम सलामत नहीं रहेंगे। लेकिन जब से दुनिया ने यह देखा, मैंने इससे पहले एक अजीब वाक्य आपको सुनाया था, पता नहीं आपके जहन में है या है भी या नहीं, कि हमारी यहां ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में, पहले ओरिएंटल कॉलेज होता था, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी बनी है, एक बड़े नेक नाम प्रोफेसर गुजरे हैं, हाफिज महमूद शेरानी, आज भी उनका नाम का हाल वहां बना हुआ है। उनके एक बेटे पैदा हुए अख्तर शेरानी, जो अपनी शायरी के लिहाज से वाकई नहायत काबिल एहतराम है, बड़े नज़्म व शायर, गजल में खासतौर पर बहुत आला मुकाम रखते हैं, बावजूद के बाप हाफिज़े कुरान, घर में हर तरह की देखी, लेकिन न जाने उसने कैसे बुरी सोहबत पाई कि उसने शराब पीना शुरू कर दी। बाप ने हर मुमकिन तरीके से उसका इलाज करवाया, लेकिन उसको आराम ना आया, यह आदत उसकी बढ़ती गई, हत्ता को उन्हें घर से निकाल दिया। आमतौर पर कैबलिस्टों के हलके में बैठा रहता, उस जमाने के नौजवान लोग जिनको आवारगी फिक्र, जहनो फिक्र की जरा रास आती थी, वह आमतौर पर कैबलिस्ट को जाया करते थे, उन्हीं के हलके में बैठे हुए थे, तो उर्फ उर्फ पक रहा था नशे में, कभी किसी बड़े फलसफी के बारे में, कभी किसी बड़े फलसफी के बारे में, कि वो क्या है, हमसे पूछो हम क्या है। उन नौजवानों ने मौका गनीमत जाना, उन्होंने कहा अख्तर साहब आप सब बड़े बड़े लोगों के बारे में राय दे रहे हैं, यार ये तो फरमाइए कि मोहम्मद साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने हाथ में इस तरह बिल्लौर का गिलास पकड़ा हुआ था भरा हुआ शराब का, और घूट घूट पी रहा था उसे, जैसे उसने कहा मोहम्मद साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसका तो नशा उड़ गया, वो गिलास उसने जोर से मारा उसके मुंह पर, उन्होंने कहा बदबख्त हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन हम काफिर नहीं हैं, तो ये जुर्म कैसे हुई कि इस नापाक मजलिस में कि तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी दे। अब उसका हाल ऐसा है कि काटो उसमें लहू नहीं, वो कहता मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कत्ल करके रहूंगा। बड़ी मुश्किल से उस नौजवान की जान बचाई गई, और अख्तर शेरानी का हाल यह कि उसको पता ही नहीं कि मैं शराब पी रहा था, शराब का नशा तो हिरन हो गया, अब वो बेकाबू होता जा रहा है गैरत दीनी में, अल्लाह के रसूल की इज्जत और हुर्मत के तहफ्फुज में। मुसलमानों का भी, हमारे शराबियों का भी यह हाल था, आज हमारे दानिशों का हाल भी पतला, हमारी हुकूमतों का हाल भी अबतर है। जब तक दुनिया को इस बात का मालूम था, मैं बार बार यह कहता हूं कि जब तक दुनिया को यह बात मालूम थी कि यह पैगंबर लावारिस नहीं है, इसके पीछे 15, इसके पीछे 1 अरब से ज्यादा इस पर जान देने वाले खड़े हैं, जो इसकी इज्जत और हुर्मत के पालनहार है, जो इसकी इज्जत और हुर्मत का हक अदा करना जानते हैं, तो कौन बेवकूफ था जो आगे बढ़कर जबान खोले। लेकिन जब तक, जब से उनको यह पता है कि हमारे बड़े बड़े लोग अपना ईमान भी बेच देते हैं, हत्ता कि अमेरिका के लोगों ने कहा कि ये तो अपनी मां भी बेच देते, जहां बड़ा चर्चा होता रहा, हत्ता कि यहां इज्जतें लुटवाने वाली औरतें मैं चंद डॉलरों की खातिर वहां में जाने कैसे व्यक्ति फिरती हैं हाथों हाथ, कि जब एक नया तारुफ हुआ उन्हें कि इनके मैं खुदा है ना खुदा का रसूल, तो खुदा के बारे में तो खैर वो क्या कहेंगे, लेकिन जो रसूल हमारी इज्जत और हुर्मत का जामिन था, जो हमारे लिए सहारा था अल्लाह के बाद, जिसने हमें कौमी तशख्खुस दिया था, जिसकी वजह से उम्मत मोहम्मदिया बनी थी, जिसकी वजह से हमारे घर में दीन की रौनक थी, जब उसके ज्यादा हमारा रिश्ता कमजोर पड़ा है, अब दुनिया में जिसके जी में जो आता है सो कहता है। अब यह तरीका नहीं है कि हम उसके बारे में क्या सोचें क्या करें, एक ही तरीका है कि जैसे हम कल तक अल्लाह के रसूल की इज्जत से मालामाल थे और हमारे दिल में उनकी इज्जत और हुर्मत भड़कती थी हमेशा, अगर दोबारा आज उसका 10वां हिस्सा भी अपने अंदर पैदा कर ले, बाहर के लोग भी, यहां के लोग भी, हर तरह पर, और हमारी हुकूमतें कुछ ना कुछ तो इसका तासुर देना कि हम सब भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकते, यकीन जानो उस वक्त तक हुजूर की इज्जत पर नापाक जबानें चलती रहेंगी, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बाद अब ये जो खाकों का सिलसिला चला है,
और बजाय इसके कि हम उनका कुछ बिगाड़ते, जिन लोगों ने जबानें खोली, नारे लगाए और हो सकता कुछ निशानों में कुछ नुकसान भी किए हो, कोई लालचंद चीजें भी तोड़ डाली हो, हमने सर उनके तोड़े हैं जो नारे लगाए, हमने जाने उनकी दी है जो हजूर की इज्जत पर मर मिटने के लिए घर से निकले थे। यूरोप ने यह सबक सीख लिया हमसे कि अब जो आदमी उनके खिलाफ बोलेगा तो हमारे चाहने वाले मशरक में ऐसी बड़ी तादाद में मौजूद है कि जो काम हम नहीं कर सकते थे वो कर लेंगे, उनको क्या फिक्र है। अब ले दे के इस कमी को पूरा करने, कमी तो खैर क्या पूरा हो सकती है, लेकिन कुछ लोग फर्ज कफाया अदा करने के लिए आमिर चीमा ने हिम्मत की। उसने जब देखा कि मेरे नबी के साथ ये तमाशा किया है और आज उनके अखबार जहर उगलते हैं, उसने एक तेज धार वाला चाकू खरीदा और उस दफ्तर में पहुंचा जिस दफ्तर में वो अखबार छपता है, जहां चीफ एडिटर बैठता, जहां सबसे बड़े खाके छपे थे, और किसी तरह चीफ एडिटर से आमना सामना हुआ, उसने उसको चरके लगाए चाकू से। अब यह बात आज तक छुपाई जा रही है कि वो मर गया कि बच गया, वो क्या हुआ, कितना जख्मी हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन जर्मनी हुकूमत वो आज तक उस पर पर्दा डाल रही है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप अंदाजा करें, आप पढ़े लिखे लोग हैं कि जब कोई गैर मुल्की किसी मुल्क में गिरफ्तार होता है तो यकीन जानो कोई उसके खिलाफ फैसला करने से पहले उसकी वजारत खारजा को या सफारत खाने को पहले एतमाद में लिया जाता है, उसके बगैर फैसले नहीं होते, उनको बताया जाता है ये हमारे कानून का मुजरिम है, इसने ये कानून की खिलाफवर्जी की है, हम इसके साथ ये करना चाहते हैं, आप उसका मुकदमा लड़ने के लिए कोई अपना वकील भेजना चाहते हैं वकील भेजे, आप उसको सहूलतें पर हम पहुंचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें, यह सारी दुनिया के सफारतखाने किया करते हैं, और वहां का सफारतखाना वहां की हुकूमत कभी अपने तौर में ना उसको सजा देती है, कत्ल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जैसे इसके नतीजे में तो सभी वापस बुला लिए जाते हैं। उन्होंने इतला दी हमारे सफारतखाने को, हमारे अपने मुल्क के लोगों ने, डॉक्टर फरीदा में चीमा मरहूम, अल्लाह उनको जिंदा रखे, डॉक्टर फरीदा में चीमा फरीदा प्राचा ने बाकायदा उनको टेलीफोन पर इसका पूछा कि क्या बाकी हमारा इस्लाम का एक नौजवान एक जुर्म में तुमने पकड़ रखा है, उनमें इसकी तस्दीक भी की और हमारे सफाद खाने ने भी की, लेकिन उसके बाद 40 दिन तक यह चक्कर चलता रहा, वो बेचारा लावारिस तौर पर न जाने किन कयामतों से खेलता रहा। हमारे सफारतखाने ने कभी पलट कर नहीं पूछा कि तुम किस जुर्म में पकड़े गए हो और तुम पाकिस्तान के अगर शहरी हो तो हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक है, बिल्कुल नहीं पूछा। लावारिस तो जो भी हो हमेशा मारा जाता, लावारिसों को कौन पूछता। जब उन्होंने देखा कि इनका पैगंबर भी लावारिस और आप उस पर जान देने वाले भी लावारिस, इनको बचाने वाला कोई नहीं, जिसकी खातर उसने जान दी है उस पर ईमान लाने वालों को कोई तकलीफ नहीं, यहां इक्का दुक्का वो जलसे हुए भी, कोई सेमिनार भी हुए, कोई हंगामे भी हुए, लेकिन हमारी हुकूमत ने पूरी तरह उस पर पर्दा डाला। हत्ता कि यह कहा जाता है, यह भी सीना बसीना बातें निकली हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि जब पूरी तरह बांधा हुआ था आमिर चीमा को, बेड़ियां थी उसके पांव में, हाथों में जंजीरें थी, उसके सामने जब हुकूमत के वकील ने फिर बदज़बानी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, बंधे होने के बावजूद आमिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पा सका, उसने अपने पूरे जिस्म का जोर लगाकर उठकर उसको टक्कर मारी। अब कुछ भी कहा जा सकता कि टक्कर मारने के बाद उन्होंने क्या पकड़ उसके सर पे मारा है और क्या कुछ किया है उसके साथ, किस तशद्दुद में वो शहीद हो गया अल्लाह बेहतर जानता, और यही वो बात है जिसको वो माशाल्लाह खुदकुशी करार दे रहे हैं। यानी उन्होंने इस कदर तशद्दुद किया है उस पर, और तशद्दुद के आसार मरने के बाद आहिस्ता से जिस्म से मिट जाया करते हैं, चुनांचे जब तक वो आसार मिटे नहीं है उन्होंने वो लाश हमारे हवाले नहीं की, और हमारी हुकूमत तमाशा देखती रही।
वजीर आलम साहब को एक दिन जोश आया तो उन्हें अफसोस का इजहार किया, हमारे सदर गिरामी को आज तक तौफीक नहीं मिली। उन्हें यह समझा कीड़ा मकौड़ा था बाहर मर गया, उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन वो कीड़ा मकौड़ा नहीं था, वो इस पूरी उम्मत का फर्ज किफाया था। वो चीज जो हम सब पे लाजिम थी, उसने उसके लिए एक नमूना दिखाया था, एक रास्ता दिखाया था कि लोगों इस रास्ते पर चलकर हम हुजूर की इज्जत को पामाल होने से बचा सकते हैं। लेकिन हमने इसकी क्या इज्जत की? अंग्रेज के जमाने में यही फर्ज गाजीउद्दीन शहीद ने अदा किया, उसको मियांवाली जेल में रखकर फांसी दी गई और वहां उसको जेल के अहाता में दफन कर दिया गया, यह सोचकर कि अगर इसको निकाला जाएगा, लाहौर ले जाया जाएगा, यहां ये रहने वाला है तो वहां तो तूफान उठेगा, लाहौर ये तो पहले हमें हमेशा जान देने वाले लोग रहे हमेशा, अगर आप वो वैसे नहीं है, चुनाचे ने वही उसको दफन कर दिया। यहां हंगामे फूटे, जिंदगी के बावजूद गुलाम होने के भी लोगों ने रातें और दिन एक कर डाले कि हम उसकी लाश वहां से निकाल के लाएंगे। चुनाचे अल्लामा इकबाल की क्यादत में हमारे बड़े बड़े लोगों का वफद मिला जाकर गवर्नर से, गवर्नर बिना खड़ा रास्ते आया और उसने इजाजत दी, वहां से उसका ताबूत लाया गया और यहां लाहौर में उसको दफन किया गया। मैं पूछता हूं कि आमिर चीमा के लिए हमारे पास इतनी गैरत भी नहीं, यानी वहां उसको लाए और प्रोग्राम यह था कि उनको रावलपिंडी में जहां वो रहता था, उसके मां बाप रहते, जहां वो पढ़ा लिखा जवान हुआ था, वहां उसको दफन किया जाएगा, लेकिन बगैर ऐलान के सारों की मेरे जाकर उसको दफन कर डाला गया। लोगों को आखिर दम तक पता नहीं चलने दिया गया कि सही वक्त जनाजे का कौन सा है, और जो मैंने तफसीलात अखबार में पढ़ी हैं उसको देखकर भी अंदाजा होता है कि शायद उसकी मां, उसकी बहनें उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी। जब उन्हें बहुत शोर मचाया कि हम अपनी मर्जी से तदफीन करना चाहते हैं, तो हमारे कोई जिम्मेदार लोगों ने जाकर यह कहा कि अगर उसका चेहरा नहीं देखना चाहते तो फिर इस पर इसरार करते रहो, वरना अगर चेहरा देखना मंजूर है उसके बाप को तो हम उसको चेहरा दिखा देंगे, लेकिन दफन उसको अपनी मर्जी से करेंगे। मैं चौधरी जहूर इलाही की औलाद से पूछता हूं कि अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता वो भी यही करता, मुझे यकीन है वो कभी ऐसा ना करता। क्या तुमने अपना ईमान मगरब के हाथ और अमरीका के हाथ इस तरह बेच डाला है कि जिस आदमी ने अपनी जान दी है तुम्हें इसका जान देना भी अच्छा नहीं लगा? अगर परवेज मुशर्रफ साहब इतनी हिम्मत करते कि खुद उसमें शरीक होते, हुकूमत एक बड़े एजाज के साथ उसको दफन करती, वहां करती जहां उनके वारिस चाहते थे, मैं कहता हूं बल्कि अगर तोपों की सलामी भी दी जाती तो सारी दुनिया को यह पैगाम पहुंच जाता कि लोगों हम अब तक जिंदा हैं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हमले करोगे तो हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें चूंकि सब कुछ अहले कलेसा से लेना, ईसाइयों से, हमें क्या कदर कीमत इन शहीदों? इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि इन शहीदों की दियत अहले कलेसा से न मांग, इनकी कीमत उनसे मत मांगो, इन शहीदों की दियत अहले कलेसा से न मांग, कदर कीमत में, कदर कीमत में ये बढ़कर है हरम से बढ़कर, कदर कीमत में इनका खून है हरम से बढ़कर, इनका खून तो हरम से बढ़कर कदर कीमत रखता है, तो इनके बारे में क्या समझते? लेकिन हम इस बात को भूल गए। तारीख में इस तरह का वाक्य आता है, बल्कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वक्त हो गया और अजीब इत्तेफाक किया कि उनका नाम भी आमिर था, इनका नाम भी आमिर है, उनके बाप का नाम अल अकवा था, आमिर बिन अल अकवा। हुजूर जब जंग खैबर के लिए निकले हैं वो आपके हमरा थे, उनके भाई भी हमरा थे, गालिब बिन मोहम्मद बिन अल अकवा। जब जा रही थी फौज तो रास्ते में नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के रिज्स पढ़ने की आवाज सुनी, रिज्स कहते हैं जंगी तराने को, जो अरब आमतौर पर जंग के लिए जाते हुए छोटे छोटे अशआर की सूरत में पढ़ा करते थे और उससे उनकी उनके जज्बात में एक आग लग जाया करती। तो मुसलमानों ने उनसे कहा कि आप हमें पढ़ के सुनाएं,
वो जब दूर कुछ पढ़ रहे थे, हुजूर ने आवाज सुनी, फरमाया किसकी आवाज है? कहा हुजूर ये आमिर बिन अलकवा की। आपने फरमाया कि अल्लाह उन पर अपना, अल्लाह उस पर अपना रहम फरमाए। ये अजीब बात है कि हुजूर जंग के दौरान जब किसी के बारे में ये फरमाते थे ना कि अल्लाह उस पर अपना रहम फरमाए, सहाबा समझ जाते थे कि अब वो शहीद हुए बगैर नहीं रहे, वो सहाबी शहीद हो जाते थे जिस पर हुजूर ये फरमाया करते थे। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि उनकी किस्मत अच्छी है, वो जन्नत में जाएंगे, अल्लाह उनको शहादत देगा। लेकिन हुजूर क्या ही अच्छा होता अगर हम उनकी जिंदगी से और फायदा उठा लें। लेकिन हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़ाई शुरू हुई, यहूदी सरदार से आमना सामना हुआ, उनकी तलवार छोटी थी, लंबी तलवार ना मिल सकी, और उसके बाद लंबी तलवार थी यहूदी की, चुनादी जब आ गया बढ़कर उस पर हमला किया तो आपकी तलवार बजाय उस तक पहुंचने के, क्योंकि उसके करीब उसको नहीं लग सकी तो नीचे उतरती चली गई और उसने खुद आपकी अपनी टांग काट डाली, तो आप अपनी तलवार से शहीद हुए। चुनौती अब यह बात मशहूर हुई कि अपनी तलवार से आपकी जो टांग कटी है और उसकी वजह से आप शहीद हुए हैं, तो लोगों ने समझा कि उन्हें खुदकुशी की, जैसे आज समझा जा रहा है मुसलमान खुदकुशी नहीं किया करते। चुनौती उनके भाई बड़े परेशान हुए, उन्हें जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि मेरे भाई के बारे में यह कहा जा रहा। आपने फरमाया कि तेरा भाई शहीद है, मैंने उसे जन्नत में सैर करते देखा। फरमाया तेरे भाई जैसे लोग फिर अरब में पैदा नहीं होंगे। मैं कहता हूं आमिर भी शहीद है, दूसरा आमिर शायद को मां नहीं जनेगी, इसलिए कि जो बेहिसी हम पर हमने ओढ़ ली है, हमारे बापों ने भी हमारी माओं ने भी, तो वो माएं कभी नहीं इस तरह के बच्चे ही जन सकती जिनके अंदर खौफ पाया जाता हो अमरीका का या मगरब का या ऐसे लोगों का जिनसे हम डरने के आदी हो गए। जब तक हमें बेहिसी की चादर उतारेंगे नहीं और दुनिया पर यह साबित नहीं कर देंगे कि हम अबू बकर से लेकर आखिरी सहाबी तक उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कट मरने को तैयार हैं जिस तरह वो कट मरा करते थे, तो यकीन जानो उस वक्त तक मगरब अपनी दरीदा दाहनी से बाज नहीं आएगा। मैंने पहले भी ये शेर पढ़े थे, आज फिर पढ़ रहा हूं कि तुम्हें फिर सब्ज गुंबद से मोहम्मद ने पुकारा है, खुदाई में मोहम्मद की नबुव्वत बेसहारा है, पुकार रहे हुजूर वहां से कि समझ जाओ मुसलमानों के वक्त इम्तिहान आया, कि मोमिन के लिए ये वक्त मुजदा जाफिजा लाया, वगरना हश्र के मैदान में क्या मुंह दिखाओगे, मोहम्मद मुस्तफा के सामने जब लाए जाओगे वहां इब्ने अली होंगे, अली ये मुर्तजा होंगे, वहां पर फातिमा होंगी, वहां खैरुल बरा होंगे, वहीं फारूक होंगे और वहीं सिद्दीक अकबर भी, वहीं खालिद, वहीं तारिक, वहीं मासूम असगर भी, जब उनके रूबरू जाओ तो होकर सुरखरू जाओ, तुम अपने खून से होकर वहां पर बावजू जाओ, खुदा कह दे मेरा बंदा शहीद नाद आया है, मोहम्मद आप फरमा दे मेरा जामाद आया। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।